धर्मा राज्य का टेम्पल जा रहे थे। कौन से टेक्सला म्यूजियम है ना, यूनिवर्सिटी से हम गुजर रहे हैं। बहुत ही बड़ी विजय छोड़ के आए हैं। अब हमारी मंजिल करीब है और ये रोड में चल रहे हैं हम। सबसे मेन बात ये है, उसके बाद ये शाहपुर रोड में भी हम चल रहे हैं। ये आगे से राइट होना है, फिर आगे से हमें राइट होना है। ये टायर पंचर की दुकान आ गई। ये हमारे कैब ड्राइवर कैप्टन नोमान मागरे के साथ। They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning. Continue on Kalani Road for 2 kilometers. Yeah. I just wanna be happy tonight. In Vadiyon ke apne school hai, yahan pe yahan pe kitni kitni ki hawa aapko milti hai, to chaliye na ke sabse saath saath bada maza aa raha hai. पहाड़ हैं और पहाड़ भी देखने के लायक हैं और बहुत अच्छी जगह है। मैंने साल जरूर आए पहाड़ों की चले आओ सब ये पहाड़ों की एकदम। ये सीधा मेहरबानी। ये माल्टे हैं, चेक कर। बड़ी कोई सुनसान जगह लग रही है। हाँ, ये माल्टे लगे हुए हैं यहाँ पे। आप इसको क्या कह सकते हैं, मौसमी ऑरेंज संतरा। ये बिग एग्जीक्यूट और यहाँ पे देखें पहाड़ी चीर के दरख्त। और ये आप जिस रोड से गुजर रहे हैं आपको खुद ही इस बात से आशनाई होगी ये कितने कदीम रोड है। यहाँ पे सबसे बड़ी मज़े की बात है कि यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। लोग फार्मिंग से वाबस्ता लोग हैं और क्या कहते हैं उसको, जो और फसलें कौन सी उगती हैं यहाँ पे इसका हमें आइडिया नहीं है, आपको बता देंगे इसके बारे में। ये देखें आप अच्छे से मंजर, जो पहाड़ों गिर के पाकिस्तान जैसा मंजर आपको यहाँ पे मिलेगा। कहाँ से आ गया, क्योंकि वहाँ पे भी दरख्त है ना मेरे भाई। ये पानी भी देख, ये पानी कहाँ से आ रहा है। हाँ, ये पानी देखें आप, चश्मे का प्योर पानी है जो कि गटरों से निकलता है। गटरों में साफ पानी है, देख। हाँ, दोनों इधर गिराती मारते हैं। ये रास्ता जा रहा है अभी धर्मा, क्या राजिका स्टूपा। ये जा रहे हैं अभी धर्मा राजिका स्टूपा एंड मोनेस्ट्री। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये लाइफ पूरी एक महल में रहा है। कौन ये बुद्धा। जब इसने लाइफ पूरी वहाँ पे गुजारी, इसको यानी बाहर के हालात से नाचना। एक दिन ये होता है कि वो अपने मुलाजिम के साथ बाहर निकलता है अपनी बग्घी वगैरह में, तो जब वो देखता है लोग भीख मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। लोग दुनिया में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं
होता है कि यहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है। फिर वो उसके मुलाजिम से पूछते हैं, कहते हैं ये क्या मांगने, कह रहे हैं रोटी। वो कहते हैं ये चावल क्यों नहीं खाते हैं। फिर वो जाता है, जाने के बाद अपना इलाका छोड़ देता है और किसी जंगल में जाके वहाँ पे रहना शुरू करता है। ये धर्मा, ये आगे टेंपल। लम्बेल आपको क्या ख्याल है इस टेंपल के बारे में? क्या ये टेंपल तो नहीं है, बाहर टेंपल है ना ये, देखो बंद करो, तेज पढ़ना, ऊंचा पढ़ पढ़ो पढ़ इतना पूरा पढ़ूं? हाँ, बुद्ध मत किस ऊपर ऊपर से पढ़ने से टीचर पेपर नहीं चेक करते ऊपर ऊपर से ऐसे। धर्मा राजिका 1980 से आलमी वर्षा की फहरिस्त में शामिल है, और इसमें क्या कहते हैं, कौन से खानदान मुताबिक राग परमौरिया खानदान के महाराजा अशोक ने तामीर करवाया। बाकी जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है खुद ही। ये कंस्ट्रक्शन जिसको शेल्टर किया गया है, ये टेंपल है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ, ये पूरा टेंपल है। ये पता है पुराने जमाने का ना, तो टाइम के साथ ये लोगों ने तोड़ फोड़ भी की होगी ना। हाँ, फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट किया ना, रिकंस्ट्रक्ट किया मॉडल पे ना, तो पत्थर चत्थर लगा के पूरी रिकंस्ट्रक्ट किया है। वही ना, नहीं तो मैं ऐसे कैसे होगा ये। दरख्त कितने पुराने साल का ये? ये तकरीबन बुद्धा ने अपनी हयाती में इसको उगाया था। इसको कहते हैं रबर प्लांट। ये इस्लामाबाद में कहते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलेंगे, वहाँ पे भी मिलते हैं ये। सही पुराना लग रहा है ना, ये बहुत पुराना। और इसमें ये है कि इसकी खासियत बात, इसमें ये परिंदे इसमें बहुत ज़्यादा छुपते हैं, परिंदों का ये, इसको एक तरह का मस्कन बोल सकते हैं आप। ये उनके स्टैचू बने, पुतले बने हुए हैं, पुतले। ये बंद किया हुआ है, इसको सिक्योर किया गया है क्योंकि लोग ये इनके भगवान। ये दरख्त के बारे में, सही पुराना है, देख पुराना नहीं है ये, जड़े देख ना इसकी, ये देख बहुत पुराना है ये। नहीं, ये बहुत ही है, वो इसमें पड़ा था ना यार, हमने एनिमल प्लांट में पढ़ा था। हाँ, क्या पढ़ा था? उसके रूट्स ऊपर की तरफ से होते हैं, उसके ब्रांचेस। किसके? वो एक टाइप थी यार, क्या टाइप थी, नाम बताएं। ये आप धर्मा स्तूपा पूरा देखने के बाद क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगे, आप दोनों इधर आ जाएं साइड पे। कुछ मेरे विचार इस तरह के हैं कि जिस तरह का आपने सुना होगा कि मोहनजोदड़ो में जहां आपको खुदाई के बाद कुछ चीज़ें मिली थी, तो मुझे ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है कुछ इसी तरीके की लग रही है कि इसको भी खुदाई करके निकाली गई चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर कोई पैटर्न वगैरह नज़र नहीं आ रहा। तो इस पूरे जो टेम्पल में हमारे नज़र आई हैं कुछ दीवारें हैं, कुछ पुरानी कल्चरल ट्रेडिशनल चीज़ें, और बुद्धा की थोड़ी सी एक मूर्तियाँ एक दो नज़र आई हैं। तो इस पूरे से हमें ये महसूस होता है कि उसको खुदाई करके निकाली गई हैं, क्योंकि एक पूरा पैटर्न, एक पूरा टेंपल नहीं है। यानी ये चीज़ तो है कि ये पूरा एरिया उन्हीं का है, मगर ये है कि इसको हल्की हल्की चीज़ें एक्सप्लोर हुई हैं, और उन लोगों ने विदाउट इमेजिंग इतनी अच्छी चीज़ें इतनी लोगों के लिखी। और मेरी सबके लिए गाइडेंस होगी कि आप यहाँ पे आए विज़िट करें तो आपको बहुत सारी चीज़ों से आशनाई मिलेगी। तो मैं अब मागरे से इसके विचार पूछना चाहूँगा कि आप मागरे, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं इस सारी प्लेस को विज़िट करने के बाद मुझे देखने से ऐसा लग रहा है ये कोई बहुत बड़ी अपने दौर में ना हवेली हुई होगी, और इसके दरमियान में ही उन्होंने कोई अपना टेम्पल बनाया हुआ होगा। क्योंकि हम एक जगह पर गए, वहाँ पर हमें छोटे छोटे करके बहुत ज़्यादा तादाद में कमरे नज़र आए थे, तो इस तरह नॉर्मली हवेलियों में। जी बिल्कुल, हम तीनों, और हम तीनों यहाँ घूमने के बाद इस
यहाँ पे माल्टों का हमें बाग नज़र आ रहा है, बहुत इंतहाई लजीज माल्टे हैं, यहाँ हमने खा के देखे हैं। और आप लोग एक तो तामी कलिमात की हमने पूरी विज़िट किया, विज़िट करने के बाद हम एंड पॉइंट पे आ गए, तो इससे हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये कोई जो टेंपल का है सेंट्रल पीस। तो बस अब हम यहाँ से गुजरेंगे और आगे अपनी मंजिल की तरफ निकलेंगे। अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। जो तरलोल आया और उसने मलंग जान का बीफ पुलाव नहीं खाया तो क्या खाया, क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। जी गाइस, टूपा घूमने के बाद हम ये मलंग जान वहाँ देखाने गया और अपने अपने घर वालों।